अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्शद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रिसीवर्स जिनके कोड आप भूल चुके हैं उन्हें आप किस तरह रीसेट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो रिसीवर हमने सेलेक्ट किया है वो है Ali 3510C, जिसे आमतौर पर F1 वाला बड़ा बोर्ड भी कहा जाता है। ये बोर्ड आपके सामने है। अगर इस पे कोई कोड लग जाए और आपको उसका पता ना हो या बच्चे कोड लगा देते हैं, ये बस औकात कारीगर हजरात भी इन रिसीवर पर जो है कोड चेंज करके अपना कोई मखसूस कोड लगा देते हैं। तो इसको खोलने के लिए आपने सबसे पहले मेन्यू में जाना है और मेन्यू में जाकर आपने कोड मिलाना है 3503। जी हाँ, 3503। ये कोड आप जैसे मिलाएंगे आपका जो रिसीवर है उसका लॉक जो है वो खुल जाएगा और इसके बाद आप इसको रीस्टोर कर लें। रीस्टोर करने के बाद आप इस पे जब रीस्टोर करेंगे तो इसके बाद इस पर आपका मास्टर कोड जो है वो 40 वाला ही होगा, 3503। ये याद कर लें या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, 3503 तो ये इसका मास्टर कोड है। तो इसके बाद हम अब ये दोबारा से देख लें। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले मॉडल की तरफ, जिसका मॉडल का नाम है GX6605। याद रखें, जो पीछे मैंने कोड बताया ये सिर्फ Ali 3510C, D और A के लिए है। अब ये बोर्ड GX6805, इसका मास्टर कोड जो है वो अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि GX6805 का ये बोर्ड आप तसल्ली से देख लें। ये बोर्ड आम, अब ये हर रिसीवर जो F1 का जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर इसी बोर्ड पे आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले मेन्यू में जाना है और मेन्यू में जाने के बाद ये जो अभी स्क्रीन पर शो होंगे कोड आपने वो मिलाने हैं। ये 3 कोड पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसमें जो मेन कोड जो शुरू में यानी कि जेन्युइन कोड होता है वो 40 वाला कोड होता है। उसके बाद अगर हो सकता है आपके पास ये आपका रिसीवर का आप कोड चेंज कर लें और आपको उसका जो है वो भूल जाए तो उसका ये मास्टर कोड है 3761, ये पहला कोड है, और 6543 ये दूसरा कोड है। और इसके बाद अगर ये भी कोड मैच नहीं होता है तो फिर आप लगा लें 8765, ये मास्टर कोड है GX6805 के। इससे आपका जो रिसीवर है वो उसका लॉक जो है वो खुल जाएगा। अब आते हैं हम ब्लैक गोटू पे। ये 1506 का बोर्ड भी कहलाता है और इसे अपना 1506 ब्लैक गोटू भी कहते हैं। इस रिसीवर का जो मास्टर कोड है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये मखसूस बोर्ड होते हैं। ये रिसीवर इतना ख़ास जो है वो आम नहीं हुआ, इतना ज़्यादा इसको पब्लिसिटी नहीं मिली। तो इसके लिए पहले इसका जो मास्टर कोड होता है वो 40 होता है, लेकिन अगर कोई इसे रिसीवर को यानी कि रीसेट करना चाहे तो उसे कोड ना पता हो तो आप इस पे 4888888888 ये कोड जैसे देंगे तो ये इसका जो है भी इसका भी जो है लॉक वो खुल जाएगा। इसके बाद आप फैक्ट्री रीसेट पे जाएंगे और फैक्ट्री रीसेट पे जाने के बाद आपने इसको दोबारा से रीस्टोर कर लेना है। तो इस तरह आप अपने किसी भी रिसीवर का जो है रेल जो है रीस्टोर उसे कर सकते हैं इन मास्टर कोड्स की बदौलत। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।